इस समय हम महाराजा हरि सिंह पार्क के अंदर है और यहाँ पे पीओके के रिफ्यूजी के द्वारा जो है प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। बातचीत भी इनसे जरूर करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही प्रदर्शन करने का। पर आप फिलहाल तस्वीरें देखें, यहाँ पर पीओके के रिफ्यूजी फ्रंट जो है वो यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और इनका क्या कुछ कहना है वो हम आपको जरूर बताएंगे। आखिर क्या कुछ वजह हुई जो आज आपने मैडम, हम तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि अपने जो हमारे 29 एमएलए जीत के गए हैं, जिता कर भेजे हैं, उनके बारे में भी रख रहे हैं कि हमारे बीजेपी जीत के गई है। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने धोखा दिया है, वो बात बाद की बात है। अभी सरकार जो बन रही है उनको बताना चाहते हैं कि हम 47, 65, 70 साल की बात है, हमें अभी तक हमको ना जमीन है, ना घर है, ना गृहस्थी है। हम नानक सबसे गरीब तबका है, उनको घर गृहस्थी भी चाहिए, जमीन चाहिए और साथ में जो 24.5 बैल से वो भी चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 5.5 लाख जो मिलना है वो मिल नहीं पाया, वो भी रह गए हैं। अभी कुछ फाइलें हैं हमारी हैं जो पास नहीं हुई, तो तहसीलों में पड़ी है, वो भी पास जल्दी करनी चाहिए। जय हिंद। सर आप क्या? आज मैं जयपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट, आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। तीन मेन हमारे मकसद है। पहला सबसे मकसद ये है कि जब इलेक्शन होने से पहले हमने घोषणा करी थी आपके मीडिया के माध्यम से ही कि हम तमाम जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं तमाम रिफ्यूजी बरादरी उनको समर्थन करेगी, और इन्होंने ऐसा ग्राउंड में किया है। आज तक हिस्ट्री बन गई है, सबसे 39 हमारे जो एमएलए जो वो जीत के आए हैं, 10 से लेके 15 लाख तक हमारा रिफ्यूजी है। ये किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी जिता सकता है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाए, ये अगर रिफ्यूजियों से जुड़ी रहेगी तो हम उसका समर्थन देंगे, अगर नहीं जुड़ेगी तो हम अपना रास्ता देखेंगे। नंबर दो बात हमारी ये है कि आगे एक शीट जो है हमें रिफ्यूजियों को जो दी गई है, इसके लिए एक प्रयास किया जाए कि कोई अनपढ़ आदमी इलेक्शन तो लड़ सकता है, जमहूरियत में किसी को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिलेक्शन करनी है तो एक सोबर कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, जो ग्राउंड से लोगों से जुड़ा हुआ कैंडिडेट हो, उसको सिलेक्ट किया जाए ताकि उनकी बात जो है लोगों की, गरीबों की बात जिसकी 70 साल किसी ने सुनाई नहीं की है, वो आगे कहीं रिप्रेजेंट कर सके। तीसरी बात हमारी जो है, जो अब हमारी रूटीन में चल रही है, जेपीसी के मुताबिक 24.5 लाख रुपया हमारा बकाया है, वो हमें दिया जाए। एसटी स्टेटस इन रिफ्यूजियों को दिया जाए, अनपढ़ रह गए हैं ये लोग, पढ़ने में इन लोगों के बच्चों को जो है वो रिजर्वेशन दी जाए। गरीब लोग हैं, एक मरला जमीन नहीं है कुछ लोगों के पास, उनको जमीन दी जाए, जिनके पास जमीन है उनको मालकाना हक दिया जाए। देखिए इस समय आपने देखा पीओके के जो रिफ्यूजीज हैं फ्रंट, उन्होंने जो है वो आज प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया है। आप देखिए जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पीओके के रिफ्यूजीज जो अगर हम बात करें 1947 उसके बाद अभी यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया गया। इन्होंने क्या कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना, आप लोगों का क्या कुछ कहना है आप लोग जरूर बताएं, अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसे और वीडियोज के लिए बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ।